दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। आसाराम केस के मुख्य गवाह महेंद्र चावला की बढ़ाई गई सुरक्षा, 25 तारीख को आ सकता है फैसला। शुगर मिल में गड़बड़ी की सूचना मिलने पर चेयरमैन चंद्र प्रकाश कथुरिया ने पानीपत शुगर मिल में रेड मारी। आरए गर्ल्स पब्लिक स्कूल की प्रबंधक समिति के वरिष्ठ सदस्य वीरेंद्र सिंगला को जान से मारने की धमकी के मामले में आज गणमान्य लोग मिले पुलिस के बड़े अधिकारियों से। कनेडियन महिला का पानीपत के आईबीएम अस्पताल में हुआ सफल ऑपरेशन। मां बगलामुखी माता मंदिर सभा में चल रहे कथा ज्ञान यज्ञ का भंडारे के साथ हुआ समापन। मेयर सुरेश वर्मा ने वार्ड 7 के वासियों को कम्युनिटी सेंटर की दी सौगात। बाबरपुर के पास ट्रैक के ऊपर मिला महिला का शव। बहुचर्चित आसाराम केस में 25 तारीख के फैसले को देखते हुए जोधपुर के साथ हरियाणा की पुलिस भी सतर्क हो गई है। इसके साथ महेंद्र चावला की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। महेंद्र चावला की सुरक्षा में पहले 2-3 पुलिसकर्मी तैनात थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 5 कर दी है। कई पुलिस के आला अधिकारियों ने पैनी नजर लगाई हुई है। इससे पहले चावला की सुरक्षा में चूक होने पर 13 मई 2015 को उनके घर पर ही गोली चलाकर हमला कर हत्या का प्रयास होने पर अब हरियाणा पुलिस तर्क है। उनके पास व उनके घर पर आने जाने वाले हर आदमी की जांच के बाद और आने जाने वालों की तलाशी लेकर ही महेंद्र चावला से मिलने दिया जा रहा है। उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जानलेवा हमले से बचा मुख्य गवाह महेंद्र चावला निवासी सनोली खुर्द को हरियाणा सनोली थाना पुलिस ने 24 घंटे 3 से 5 हथियार बंद गार्ड्स की सुरक्षा दे रखी है। कल जोधपुर की सेंट्रल जेल में फैसला सुनाया जाएगा। हमें भारत की न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है और आसाराम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, यह भी हमें विश्वास है। परंतु हमारी न्यायपालिका से प्रार्थना है कि बलात्कारियों को, दुराचारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी से कम सजा इन लोगों के लिए कोई सजा नहीं है। फांसी की सजा यदि होती है तो समाज में अन्य बलात्कारियों के लिए भी मैसेज जाएगा और समाज साफ सुथरा होगा, देश की बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी। तीन मुलाजिम है और 24 घंटे प्रेजेंट रहते हैं इनके साथ। हम इंतजाम ये है कि इनके साथ परमानेंट रहते हैं, कोई भी लापरवाही नहीं होती। किसी चेक करते हैं उसका जो मोबाइल है, जब निकाल के हरियाणा शुगरफेड के चेयरमैन चंद्र प्रकाश कथुरिया ने पानीपत की शुगर मिल में रेड मारी। दरअसल चंद्र प्रकाश को शुगर मिल में गड़बड़ी की सूचना मिली थी, इसी के चलते आज उन्होंने यहां रेड की। जब चेयरमैन यहां पहुंचे तो एमडी सहित कई अधिकारी नजारत थे। कथुरिया ने हाजिरी रजिस्टर मंगाकर चेकिंग करनी शुरू की। हाजिरी रजिस्टर में भी गड़बड़ी मिली। कई रजिस्टरों में हाजिरी लगी थी पर अफसर और कर्मचारी मौजूद नहीं थे। कई रजिस्टरों को तो मेंटेन ही नहीं किया गया था। यहाँ रमेश कुमार, सुखबीर सिंह। कौन है सुखबीर सिंह? रमेश कुमार जी ना तो लीव है, ना एब्सेंट है, ना प्रेजेंट है, पीछे कई दिनों से नहीं है। लिखना नहीं पड़ेगा क्या? कहाँ गए? 16 तारीख के बाद कुछ भी नहीं है, ये भी खाली छोड़ा हुआ है।
दो तीन दिन पुलिस में कौन चल रहा है, पुलिस में कॉल नहीं जा रहा है, जिस वजह से हमारे आरेगंज पब्लिक स्कूल के प्रबंधक समिति के सदस्य वीरेंद्र सिंगला को जान से मारने की धमकी देने के बाद पुलिस की कार्यवाही न करने पर गणमान्य लोगों के साथ मिलकर डीएसपी जगदीप धून से मिले। गौरतलब है कि वीरेंद्र सिंगला ने 19 तारीख को आर्य कॉलेज के प्रोफेसर सुश्रुतु आर्य के खिलाफ शिकायत दी थी। आर्य पर आरोप है कि उन्होंने वीरेंद्र सिंगला को जान से मारने की धमकी दी थी, बावजूद इसके तहसील कैंप चौकी ने कोई कार्यवाही नहीं की। आज इसी संदर्भ में वीरेंद्र सिंगला अपने जानकारों के साथ डीएसपी जगदीप धून से मिले। उनके साथ बार एसोसिएशन के प्रधान शेर सिंह खरब भी थे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा इनके पास। हम ऐसी से मिलने आए, वो छुट्टी पर हैं, इनसे मिले, इन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। आप निश्चित वो आया था मेरे पास, ये खुशी मुझे गाड़ी में रोक दिया गया, मारने की धमकी दिया गया। वो मुखिया मैंने अपलिकेशन एस एच ओ उसमें दी थी, चौकी दे रखी थी, अब तो कुछ नहीं। ये मैं करता हूँ, इन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। सिंगला साहब के पास जाकर के एक जो कोई कॉलेज में लेक्चरर है उसने इनको धमकी दी और इनसे हाथ बदतमीजी की। उसके बाद इन्होंने तहसील कैंप चौकी में उनके खिलाफ दरखास्त दी, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ। सिंगला साहब एक पानीपत के बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और इनको इस तरह से धमकी देना तो बहुत गलत है। अभी डीएसपी दून साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई करेंगे और आपको न्याय मिलेगा। पता नहीं जी, उन्होंने महिलाओं ने उसके बाद शिकायत कर दी एक 75 साल के शहर के बुजुर्ग आदमी के खिलाफ कि फैक्ट्री में वो गई और उसके बाद शिकायत करी गई। तो हम लोग शहर के सारे मौजूद आदमी इकट्ठे हुए आज, जिसमें शेर सिंह खरब जी भी थे, बार के प्रधान जगदीश जैन जी, बाकी सारे लोग आए, डीएसपी साहब से मिले हैं। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि इंसाफ होगा और हम बहुत संतुष्ट हैं डीएसपी साहब से मिलने के बाद। नहीं, वो जो लोग धरने पे बैठे थे उनकी महिलाएं गई थी जी, उन्होंने काउंटर वो जान के कि ताकि सुश्रुत आर्य के ऊपर जो इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है तो ताकि ये लोग दब जाएं और डर जाएं, तो इसलिए उन महिलाओं से 75 साल के बुजुर्ग के ऊपर अगर ऐसा कोई इल्जाम लगाया जाएगा तो ऐसे शहर वाले चुप कर बैठेंगे ना जी। सारे मामले ही हैं। हाँ जी, मिले सब डीएसपी साहब से, दून साहब से, उन्होंने हमारी सारी बात सुनी और उन्होंने आगे डायरी भी करवा दिया और कहा है कि इंसाफ होगा, आप इसमें कोई चिंता ना करें बिल्कुल भी, कि शहर के बुजुर्ग आदमी हैं, ऐसे कोई अगर गलत इल्जाम लगाएगा तो ऐसे शहर कैसे चलेगा। डीएसपी जगदीप धून ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस मामले में उचित कार्यवाही करेंगे। ये इनका कोई मैनेजमेंट से जो सिंगला जी इनका हुआ है, कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड इनका डिस्प्यूट था, जो इसमें प्रोफेसर अनशन पे बैठे थे वो उठ गए और इस संबंध में इन्होंने एप्लीकेशन दी है। जांच के अनुसार अगर जो भी इसमें जिसने गलती की है उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। कनेडियन महिला का पानीपत के आईबीएम अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। महिला अपने पति के घर यूपी आई हुई थी। यूपी के शामली में महिला अपने ससुराल आई हुई थी, अचानक महिला के पेट में दर्द उठा। आनंद फानंद में उसे स्नोली रोड स्थित आईबीएम अस्पताल लाया गया। जब उसकी जाँच की गयी तो पता लगा की उसके पीते में पथरी है। महिला ने इलाज करवाने से मना कर दिया। उसका मानना था कि इंडिया में इलाज सही नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे समझाकर सफल ऑपरेशन किया। पेशेंट ब्रिटनी हमारे हॉस्पिटल में कल शाम को पेट में दर्द लेकर आई थी। ये दर्द उनको कई दिनों से हो रहा है। ये शामली में डॉक्टर खुर्शीद अनवर है, जो कि वहाँ के लीडिंग फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी बहू भी है। इनको भारत में ऑपरेशन पे भरोसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। यहाँ से यहाँ के डॉक्टर्स ने, यहाँ के स्टाफ ने जब उनसे बात किया, देन शी फेल्ट कम्फर्टेबल। कल रात में उनको हम लोगों ने ऑपरेट किया और आज वो पूर्णतः स्वस्थ हैं, कॉन्शियस हैं, ओरिएंटेड हैं, सारी बातें कर रही हैं और खुद उन्होंने आज मॉर्निंग में 11 बजे के बाद से टहला दी है। जिस तरह की भ्रांति थी उनके मन में कि भारत में कनाडा के अपेक्षा ट्रीटमेंट पोर्शन बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, खासकर पानीपत जैसे स्मॉल टाउन में, वो भ्रांति उनके मन में अब नहीं है। अब महिला ठीक है, उसने डॉक्टर और स्टाफ का धन्यवाद किया। Yeah, it was very good. I had a good, very good experience here. Yeah, everyone was kind to me. I had a very good experience here. I'm feeling very comfortable here. माँ बगलामुखी माता मंदिर सभा में चल रहे कथा ज्ञान यज्ञ का समापन भंडारे के साथ किया गया।
यह कथा ज्ञान यज्ञ श्री दयानंद सरस्वती के सानिध्य में चल रहा था। आज सुबह रुद्राभिषेक हुआ माँ बगलामुखी का 100 लीटर दूध से, उसके उपरांत माँ का भव्य श्रृंगार हुआ और प्रसाद भोग 56 भोग लगाया गया, उसके उपरांत अमृत तुल्य भंडारे का आयोजन किया गया था जो कि अब सही परिपूर्ण रूप से पूर्ण हो चुका है और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस यज्ञ में आहुति दी उन्होंने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर सुरेश वर्मा ने रविवार को वार्ड 7 में अशोक विहार कॉलोनी के वासियों को कम्युनिटी सेंटर की सौगात दी, इसमें 20 लाख की लागत आई है। मेयर सुरेश वर्मा का कम्युनिटी सेंटर पर पहुंचने पर कॉलोनी वासियों ने स्वागत किया। उन्होंने एक बुजुर्ग से कम्युनिटी सेंटर का रिबन कटवाया। मेयर ने कहा कि शहर की कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा दी जा रही है, इन कॉलोनियों में गली नाली स्ट्रीट लाइट पार्क कम्युनिटी सेंटर और पेयजल के लिए ट्यूबवेल लगवाए जा रहे हैं। आज आप अशोक विहार कॉलोनी है वार्ड नंबर 7, इसमें काफ़ी टाइम से ये जगह खाली पड़ी थी, यहाँ इसमें 20 लाख की लागत से यह कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है जो कि सभी बिरादरी के लिए है। यहाँ गरीब अमीर आदमी को आओ यहाँ शादी करो, कुल 500 रुपये उस पर ले जाएंगे, वो भी इस चीज़ के साफ सफाई के लिए, जो देखभाल है या टूट फूट है सारी मैं सुरेश वर्मा अपनी तरफ से करवाएगा, इसमें अपने जो उसे पैसे लगाएगा। यह बिल्डिंग नगर निगम द्वारा बनवाई गई है और भी जितने वार्ड अपने शहर में 24 वार्ड है, सभी पार्षदों के सहयोग से हर वार्ड में कम्युनिटी सेंटर बनवाए गए हैं, जहाँ जरूरत समझी जहाँ पार्षद ने या जनता ने कहा भी कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है वहाँ बनवाने लग रहे हैं। गली नाली बिजली पानी की, सड़कों की, लाइट की, अपने जहाँ जिम की जरूरत जिम रखवाए जिम का, जहाँ पार्क की जरूरत पार्क के कार्य करवाया है, नगर निगम द्वारा यह कार्य करवाए जा रही है। कॉलोनी वासी विकास कार्यों में खुश हैं। बहुत दिनों से कम 10-15 साल से ये जगह खाली पड़ी हुई थी जिसपे कोई अब तक किसी ने कोई वो नहीं कर पाया जी। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे भी कोई चीज़ बने, हम मेयर साहब के पास गए तो उनसे रिक्वेस्ट की हमने कि जी हमारा जगह खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे शादियों की वगैरह लड़कियों वगैरह की शादी करवाने के लिए जी कोई वो नहीं है यहाँ पे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट से हमारी रिक्वेस्ट से ये 2 मंजिल के हॉल बनवा दिया जी। अच्छा बना रखा, बोल तो अच्छा बना दिया, अच्छा ही कहेंगे, सारा काम करवा दिया उन्होंने, हमारी कॉलोनी में भी अच्छा काम करवाया है, सारा काम अच्छा करवा रखा है, ये धर्मशाला भी बनवा दी है, बाकी गलियां बनवा दी है, सड़का सारी सही बनवा दी है, अच्छा काम करा है। आज सुबह 8 बजे बाबरपुर के रेलवे ट्रैक पर अज्ञात महिला का शव मिला, जीआरपी के अधिकारी इसकी जांच में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार जीआरपी पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रैक पर एक महिला का शव पड़ा हुआ है, पुलिस ने आसपास पता लगाने की कोशिश की लेकिन महिला के परिजनों का कहीं पता नहीं लग पाया। महिला ने स्काई कलर की सलवार सूट डाला हुआ है और उम्र 40 के करीब बताई जा रही है। बाबरपुर नबदिया फोन थाने में सूचना दी थी कि भाई रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने मेन लाइन पर एक डेड बॉडी है, लेडीज की है। हम मौके पर आए, आने के देखे इसके पास कोई आईडी वगैरह तो मिली नहीं है, अब इसकी दैनिक अखबारों में निकलवाएंगे, आठ फ्लोर पर आने जाने लगा कि उनको डेड बॉडी दिखाई गई है लेकिन किसी ने पहचानी नहीं, अखबार वगैरह निकलवाएंगे, अगर को पढ़ के या शाम तक अपने जिंदगी हुआ हो क्या, जैसी कार्रवाई जैसी बात हो जाकर कार्रवाई होगी। सुसाइड है या एक्सीडेंट है? ये एक्सीडेंट है, सुसाइड है। कौन सी ट्रेन से? डीजल में। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत, नमस्कार।